साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे रिहैप्टिन। साथियों रिहैप्टिन सिरप मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है। साथियों रिहैप्टिन जो है 100 ml का सिरप है, 160 रुपये इसकी MRP है। साथियों उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन की रिहैप्टिन सिरप है क्या, रिहैप्टिन सस्पेंशन जो है वो है क्या, साथ ही साथ इसके की इंग्रेडिएंट की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, कंपोजिशन की बात करेंगे साथियों, एंड साथ ही साथ इसके की बेनिफिट एंड यूजेस की बात करेंगे साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे एंड हाउ टू वर्क रिहैप्टिन सीरम, इंट्रक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन फॉर यूज कहने का मतलब है डोजेस की बात करेंगे, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। साथियों सबसे पहले जानेंगे रिहैप्टिन सीरप है क्या। रिहैप्टिन सस्पेंशन साथियों एक तरह से न्यूट्रास्यूटिकल्स है, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये प्रोडक्ट है। साथियों 100 ml के सीरप है, मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। किसी भी केमिस्ट की दुकान पे आप रिहैप्टिन सीरप जो है अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है या आप लेते हैं तुरंत मिल जाएगा। साथियों 100 ml का सीरप है, 160 रुपये MRP है। साथियों डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, रिहैप्टिन सस्पेंशन इज यूज टू ट्रीट हेपेटिक डिस्फंक्शन, कहने का मतलब है लीवर से संबंधित किसी तरह का विकार है उसमें उपयोग करने वाली ये सीरप है। इट कैन आल्सो यूज फॉर सप्लीमेंट्री मेडिकेशन फॉर ट्रीटिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज, कहने का मतलब है सप्लीमेंट्री मेडिकेशन है, जैसे कि क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज लीवर में सूजन है या किसी तरह का विकार है या गैस्ट्राइटिस बन जाती है, ऐसे केस में क्या होता है कि डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। जैसे कि सिरोसिस हो जाता है, लीवर टॉक्सिसिटी हो जाता है जैसे किसी केमिकल की वजह से या बहुत ज़्यादा वाइन पीने की वजह से, ऐसे केस में क्या होता है कि या वायरस होता है एक तरह से, वायरस की वजह से या किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से साथियों क्या होता है लीवर टॉक्सिसिटी हो जाता है, ऐसे केस में डॉक्टर जो है रिहैप्टिन सिरप इस्तेमाल करते हैं। या लीवर डैमेज हो जाता है किसी कारणवश या एक्सीडेंटल केस की वजह से या किसी साइड इफेक्ट की वजह से जो लीवर में विकार आ जाता है, लीवर डैमेज होता है, ऐसे केस में रिहैप्टिन सिरप को प्रिस्क्राइब करते हैं। साथियों ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, कंपोजिशन की बात करेंगे, की इंग्रेडिएंट की बात करेंगे साथियों। एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट 150 mg इसके अंदर मिला है साथियों। ये देखिए इसका कंपोजिशन यहाँ पे लिखा है साथ ही, तो इसमें सिलीमरीन 35 mg मिला है एंड एल ग्लूटाथियोन 100 mg एंड मेटाडॉक्सिन इसके अंदर मिला है साथियों। इम्पॉर्टेंट इसके यूजेस और की बेनिफिट की बात करेंगे साथियों। तो सिलीमरीन जो इसके अंदर मिला है साथियों एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है साथियों। ये क्या करता है, इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एन अदर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है साथियों जो कि लीवर की सेल्स से जो है सिक्रीट होता है, जनरेट होता है, जिसको हम ग्लूटाथियोन कहते हैं, उसके जनरेशन को ये बढ़ा देता है साथियों। साथ ही साथ क्या होता है, हेपेटोप्रोटेक्टिव होता है साथियों, कहने का मतलब है लीवर में किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, आघात नहीं होने देता है, ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है लीवर को साथियों। साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी समस्या हो जाती है लीवर में और या जो है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, शरीर में कहीं और भी अगर एंटी इन्फ्लामेटरी दिक्कत है, पेट के अंदर सूजन आ जाती है, ऐसे केस में भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। एंड साथियों एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं साथियों, तो डॉक्टर जनरली अगर लीवर की प्रॉब्लम नहीं भी है तो डॉक्टर अपने विवेक से जो है इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, कहने का मतलब है एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करता है साथियों। मेटाडॉक्सिन जो इसके अंदर मिला है एक तरह से समझ लीजिए लीवर सेल्स थेरेपी के काम करता है, उसको जनरेट करने का, एंड डिटॉक्सीफाइव द ब्लड का भी काम करता है। डिटॉक्सीफाइव कहने का मतलब ये होता है कि किसी तरह से ब्लड टॉक्सिन्स जो है ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स आ जाते हैं, मतलब जहरीले पदार्थ होते हैं, उसको जो है क्या होता है कि ब्लड को प्योरीफाई करने का काम ये करता है साथियों। साथ ही साथ ये क्या होता है, गैस्ट्राइटिस जिनको बहुत ज़्यादा हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, गैस बहुत बनती है निरंतर, तो सपोर्टिव मेडिसिन के साथ रिहैप्टिन सिरप भी रिकमेंड करते हैं डॉक्टर साथियों। हेपेटोमेगाली हो जाता है उसमें भी एंड लीवर डिसफंक्शन हो जाता है उसमें भी इसको उपयोग किया जाता है साथियों। साथ ही साथ क्या होता है कि किसी तरह की जो है विकार है जैसे कि हेपेटाइटिस हो जाती है, जिसको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है लीवर में हो जाता है हेपेटाइटिस, मतलब या ज्वाइंटिस हो जाता है, उसमें भी इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड एल्कोहलिक फैटी लीवर, कहने का मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करते हैं
उसमें भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। और एब्डोमेन का किसी तरह का पेन है, एब्डोमेन इन्फ्लामेशन है, तो उसमें भी रिकमेंड करते हैं। और जिनको जो है क्या होता है कि मतलब डायरिया बन जाती है, डायरिया होती रहती है, ऐसे केस में भी रिएप्टिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इसके बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से यूजेस हैं, डॉक्टर अपने हिसाब से इसको रिकमेंड करते हैं, तो पूरे यूजेस बताना मुश्किल है साथियों। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा तरह के साइड इफेक्ट नहीं है, क्षणिक साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि नोजिया, कभी कभी इसको पीने के बाद सुस्ती आ जाती है, थकान ऐसी लगती है, सर में दर्द ऐसा होने लगता है, तो इस तरह के जो है क्या कहते हैं कि साइड इफेक्ट इसके हैं। और साथियों ये क्या करता है, इसकी वर्क कैसे करता है, रिहैप्टिन जो सीरप है इसका जो कंपोजिशन है एल ऑर्निथिन एस्पार्टेट सिला सिलीमरीन जो इसके अंदर मिला है, ग्लूटाथियोन जो मिला है, ये बॉडी के अंदर वर्क कैसे करता है इसके बारे में हम साथियों डिस्कस करेंगे। इट वर्क्स बाय प्रोटेक्टिंग द लीवर, कहने का मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से जो है, या किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से, या मतलब किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको जो है क्या होता है फ्री रेडिकल जो केमिकल्स होते हैं उससे ये बचाते हैं और लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं, और उससे क्या होता है कि दस लीवर डैमेज नहीं होने देता है, और उसी से जो है इस तरह से ये वर्क करती है। साथियों इंट्रेक्शन की बात करेंगे, रिहैप्टिन सीरप जब भी इस्तेमाल करें, तो अगर कोई अदर मेडिसिन खा रहे हैं या कोई बीमारी है, तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं तो तुरंत अपनी समस्या बता दें, तो डॉक्टर उस हिसाब से दवा को रिकमेंड करते हैं। जैसे कि एल्प्राजोलाम या डाइजी पाम किसी को चल रही है, तो ऐसे केस में रिहैप्टिन सीरप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एंटी फंगल कोई टैबलेट चल रही है, जैसे कीटोकोनाजोल खा रहे हैं, तो उसके साथ जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और ये कंट्राइंडिकेशन है, इंट्रेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है, जैसे कि जो लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं, जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो उस दौरान एल्कोहल का सेवन नहीं करना है साथियों। साथियों डायरेक्शन फॉर यूज एंड डोजेस की बात करेंगे साथियों, तो एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, साथियों इसका जो डोज है वो निर्धारित करते हैं डॉक्टर अपने हिसाब से, क्योंकि इसका अलग अलग बीमारी में अलग अलग हिसाब से इसकी डोज है इसका। तो जैसे कि नॉर्मल किसी तरह का लीवर में विकार है या भूख नहीं लग रही है या इस तरह से डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं, तो इसका जो है दिन में 3 बार या 2 बार 5 ml सुबह दोपहर रात को, या फिर मॉर्निंग एंड इवनिंग 5 ml, जो घर में एक स्पून होता है 1 स्पून मॉर्निंग एंड 1 स्पून इवनिंग। साथियों इस तरह से इसका जो है डोज अपने हिसाब से डॉक्टर एडजस्ट करते हैं, अदरवाइज 1 BD and 1 TDS भी इसका जो है 5 ml का स्पून जो है डोज देते हैं। साथियों सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो जब भी आप इसको परचेज करें रीड द लेबल केयरफुल्ली, एंड जब भी परचेज करें और इसको देखें कि इसकी एक्सपायरी जरूर चेक करें, और इसको साथियों घर ले जाके स्टोर इन ए कूल एंड डार्क प्लेसेस, रूम टेम्परेचर पे रखना है, ना कि कहीं ऐसी जगह पे जैसे कि जहाँ पे हीट वगैरह हो, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, और धूप की लाइट से इसको जो है बचाना है। साथियों इसका सीरप भी आता है मार्केट में, इसकी टैबलेट भी आती है, 10 टैबलेट की स्ट्रिप भी आती है साथियों, ये 225 रुपये की होती है। जो सीरप है साथियों ये इस तरह का सीरप होता है, 100 ml का 160 रुपये का जो है सीरप आता है। साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर बताएं, साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।